आज मैं कहाँ पर आती थी, मैं आई हुई हूँ अपने मायके। तो आज है हमारे घर में भंडारा। ये मेरी सिस्टर जा रही पतीला लेके, ये गाय को देने के लिए जा रही है चारा। तो इन्होंने मेरे, हाँ दूध है, अच्छा तो सॉरी। तो इन्होंने मेरे से चैलेंज किया हुआ था कि दीदी स्कूटी चलाते हुए आना साड़ी पहन के। तो ये देखिए आज मैं साड़ी पहन के स्कूटी चलाते हुए आ रही हूँ। चलिए आप सबको बताती हूँ कि हमारे घर में क्या क्या प्रॉब्लम। मेरी मम्मी झंडा लेके जा रही है उधर रखने के लिए मंदिर में। और ये है हमारे घर का मंदिर। अभी हमारे आज यहाँ पर मेल है, कुल देवता की पूजा है। और यहाँ पर खाना वगैरह बन रहा है। ये देखिए, ये देखिए खाने की पता नहीं क्या क्या बन रहा है अभी, मुझे तो पता नहीं, मैं खुद ही अभी आई हूँ। ये हमारा मंदिर सुंदर सा। बदौलत से मेरी फैमिली बहुत हैप्पी है। ये इतनी बड़ी बड़ी कोठियाँ, ये इधर भी, ये मेरे डैडी जी हैं, ये सब कुछ इन्हीं की देन है, सब कुछ इन्हीं की देन है। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं लल्ली के पास। लल्ली सबको बता बता, सबको बुजी आ गई, बताया तूने कैसे। हेलो गाइस, हेलो गाइस, कौन आ गया? बुजी आ गई। तो आप खुश हो? उनको डोना भी खा रहा खाना। मैं आ चुकी हूँ छत के ऊपर। ये अभी मेरे मायके में रह रहा है क्योंकि मेरे ससुराल वाले नहीं रहने देते उसको उधर, इसलिए इसको यहाँ रखा हुआ है। जबकि इनको भी नहीं जानता, वो उनको भी नहीं जानता, लेकिन उनका कहना है कि नहीं रखना हमारे इधर। लेकिन अभी ये मेरे मम्मी पापा हैं, मेरा परिवार है, ये तो समझते हैं मेरी फीलिंग, और इसलिए ये यहाँ पर है। और बहुत ही अच्छे से इसका ख्याल रख रहे हैं। रहता तो ये नीचे था, लेकिन आज हमारे घर में भंडारा है, कुल देवता की पूजा है, बहुत लोग आ रहे हैं इधर उधर से, इसलिए इसको छत के ऊपर खुला छोड़ा हुआ है। मेरे को देख के बिल्कुल पागल हो चुका है। ये देखो, कभी पानी पी रहा है, कभी कुछ कर रहा है। बच्चे जा रहे हैं इधर उधर से, खेल रहा है। कुकु डॉन, डॉन कुके मिंटू, ये भी पहुंच चुका है यहाँ लंगर शंगर खाने के लिए। खाने के लिए हाँ, तो काम कितना किया? काम सुबह से लगे लगे हुए। ये है मेरी सिस्टर अंजलि, ये भी पहुंच चुकी है यहाँ पर। इसने मेरे को चैलेंज दिया था कि स्कूटी पे आना है साड़ी पहन के। तो ये देखिए मैं साड़ी पहन, मैंने इसको बोला कि मैं पहन के आ नहीं सकती, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, इसलिए मैं साड़ी पहन के आ गई। तो ये है मेरी मासी, छोटी वाली मासी जी, साथ में मासी है, साथ में बुआ की बहू है, छोटी वाली मासी है हमारी। जानू अपने आप को शीशे में देख रहा है। मम्मी, ये कन्हैया, ये देखो कन्हैया, कन्हैया देखो, कन्हैया बहुत काम कर रहा है। हो चुकी है छुट्टी, मुन्ना दे देगा। तो मुन्ना भी अभी आ गया स्कूल से, हमने इसको रास्ते में ले लिया क्योंकि इसका स्कूल इधर रास्ते में ही पड़ता है। तभी इसको वहाँ से हमने ले लिया। तो ये पढ़ के आ चुका है, ये अभी जा रहा है मंदिर में। वो देखो कन्हैया क्या कर रहा है। ये तो लगा ना, पक्के जो भी आई सीरम भाई।
नानी देखा।
बाबा जी कोई कमी पेशी तो नहीं है जी, ये देखिए हीरा आया हुआ है, ये अपने घर के बारे में कुछ पूछ रहा है मेरे भाई से। और ये साल में एक ही बार लहर आती है मेरे भाई को, और पूजा पाठ तो डेली दो टाइम करते हैं, लेकिन वो जो लोगों को बताने की बुद्धि आती है, जो शक्ति आती है, भगवान जी आते हैं जो, वो साल में एक बार ही इनके शरीर में प्रवेश करते हैं। तो ये लोगों की उस दिन हेल्प करते हैं मेरे भैया, और क्या कहते हैं सब कुछ इनको बता रहे थे जो जो पूछ रहे थे। तो अभी बस ये भी पूछ के जा रहे हैं। तो अभी एक दूसरा बंदा खड़ा हुआ है, लाइनें लगी हुई थी सभी पूछने के लिए कि हमारे पास, लेकिन जिनको भी जो भी बता रहे थे वो सच्ची उनको लग रहा, उनको जो उनके साथ हो रहा था वो बता रहे थे कि हाँ हमारे साथ ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि भगवान जी का उस दिन प्रवेश होता है तो पता चल जाता है। तो सब कुछ बता रहे हैं, I'm gonna go get some more.
वाणी की बोलन बजन बाबा जी केड़े बाबे दी बोलन शेष ना बाबा जी दादी आई है दादी आई है दादी आई है तो ये अभी कुल देवता की हमारी नाग देवता अरदाती की पूजा हो गई। अभी ये खीर बनाई हुई है घर में प्रसाद के तौर से खाई खीर चढ़ेगी नाग देवता को और दाती जी का खाना आ रहा है जो भोग बना हुआ है। तो पहले नाग देवता जी को और दाती जी को भोग लगाएंगे फिर बाकी सबको हम प्रसाद बांटेंगे। तो ये देखिए अभी मेरी मम्मी और भाई दोनों तैयारी कर रहे हैं प्रसाद के लिए। तो ये देखिए अभी मेरा भाई चढ़ा रहा है प्रसाद देखिए नाग देवता जी के भगवान देवता देवतों के प्रसाद प्रसाद चढ़ा रहे हैं। मम्मी फटाफट सबके लिए लगा रही है जो बाहर सभी लोग जो आए हैं दूर दूर से उनके लिए। तो मौसम बहुत अच्छा था उस दिन ठंडा ठंडा मौसम था ज़्यादा धूप भी नहीं निकली हुई थी बस ये शाम को थोड़ी सी निकली थी धूप नहीं तो बहुत ही हमारे नाग देवता जी ने। तो ये सभी माथा टेक रहे हैं देवता जी के आगे। ये अभी भोग भाग आ गया है मेरे डैडी जी खाना वगैरह लेके आ गए हैं जो भी खाना हमारे घर में बना था दाल चावल मीठे चावल खीर जो भी प्रसाद चढ़ता है हमेशा शुरू से ही जो हमारे दादा परदादा जो भी शुरू से ही जहाँ प्रसाद चढ़ता था वही प्रसाद आज भी हमारे घर में वही परंपरा अनुसार बना हुआ है। तो अभी ये कन्या को मेरी मम्मी बाहर देने के लिए चले गए प्रसाद सबको पहले कन्या को देंगे फिर उसके बाद बाकी सबको देंगे। तो ये अभी मेरा भाई प्रसाद के लिए कुछ कर रहा है कि मैं तो बाहर से देख रही थी बैठ के तो ये वीडियो हमारी मुन्ने ने शूट की है। तो ये बहुत सारी पूजा पाठ रहती है बहुत सारे कुछ कुछ करना रहता है जिन चीज़ों का हम लोगों को नहीं पता है बड़ों को सब पता रहता है लेकिन हम भी देख के सीख रहे हैं उनसे क्योंकि बड़ों से ही सीखने को मिलता है छोटों से। तो अभी ये सब कुछ पूजा पाठ हो गया अभी ये भंडारा शुरू हो गया तो सभी जितनी भी संगत है सभी खाने के लिए खाना खाने बैठ गई है। तो ये सभी खाना खाने के लिए तैयार हैं सभी जिन जिन लोगों को हमने बुलाया था आस पड़ोस के मोहल्ले के सभी लोग खाना खाने के लिए आए हैं सभी खुश होकर खा के गए हैं कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा खाना बना था। तो मुझे भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा खाना क्योंकि सिकंदराबाद में ऐसा खाना नहीं मिलता था। तो ये सभी खा रहे हैं खाना सत्संग के लोग जो दूर दूर से आए थे ये मेरी भतीजी नेहा यह हसरी मैं इसकी वीडियो शूट कर रही हूँ ये कन्हैया ये देखो कन्हैया को बड़ी भूख लगी हुई है सभी खाना खा रहे हैं। ये भी हमारी भाभी जी हैं ये बहुत दूर से आए थे तो ये सभी
इधर उधर घूम रहे हैं। सबको बहुत भूख लगी थी क्योंकि सभी ने किसी ने भी खाना नहीं खाया था उस दिन। ये देखो कुणाल, ये मेरा भतीजा है, ये बोल रहा था कि मैं ऐसे मास्क लगा के बनवाऊंगा वीडियो वगैरह। भूजी अभी यूट्यूब पे डाल दो। ये मेरी भाभी जी हैं, कुणाल की मम्मी हैं, सबसे छोटी वाली भाभी जी। तो मेरे बुआ जी की बहू हैं सबसे छोटी वाली, और ये मेरा भतीजा है। ये मेरी वीडियो ज़रूर देखता है, बोला भूजी आपकी वीडियो तो मैं दो तीन तीन बार देखता हूँ। तो वही तो ये देखिए, ये मेरे भाभी जी के डैडी जी हैं। तो ये मेरी बड़ी भाभी जी के डैडी जी हैं, ये बहुत ही अच्छे हैं, इतना अच्छा इनका नेचर है। और मेरी मम्मी पापा के साथ इनका बहुत ही अच्छे से मेल मिलाप है। और ये हमारे घर में कोई भी काम होता है, कुछ भी होता है, सबसे पहले आते हैं, हमारा हर काम में हमें गाइड करते हैं। और हम हमेशा यही चाहते हैं कि ये आगे भी हमारे साथ ऐसे ही इनका प्यार बना रहे। तो हम इनमें फ़र्क नहीं करते अपने डैडी जी में उनमें। तो ये देखिए अभी भनारा हो गया ख़त्म, हम लोग पहुंच गए घर में। तो बहुत ही अच्छा भनारा था, बहुत ही अच्छे से पूजा पाठ हो गया। और क्या कहते हैं, भगवान जी की कृपा रही तो अगले साल भी इतने ही अच्छे से होगा। तो आप सभी अपनी ब्लेसिंग मेरे भाई को, मेरी फैमिली को दीजिए, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो बाद में आप लोग भूल जाते हो, तो इसीलिए मैंने पहले ही बोल दिया। फिर मैं लेके आऊँगी आपके लिए अच्छी सी न्यू वीडियो लेके। तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो इतना क्योंकि बादल छा गए थे उस दिन, तो ज़्यादा परेशानी नहीं हुई और हमें बहुत अच्छा लगा, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको भी मेरा ये वाला ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। तो मेरे भाई को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ब्लेसिंग दीजिए कि अच्छे से पूजा पाठ करे और हमेशा भगवान जी के चरणों में लगा रहे। तो बाकी फैमिली भी हमारी अच्छे से सभी पूजा पाठ करते हैं और हमेशा करते रहेंगे, तो मैं भी करती हूँ। तो कन्हैया भी, सबसे ज़्यादा तो कन्हैया, हमारा कन्हैया का बहुत ध्यान रहता है पूजा पाठ की तरफ। वो अभी जैसे जैसे उसके पापा ने पूजा पाठ किया, वो सबको करके बताएगा कि मैंने ऐसे किया ऐसे किया। नेक्स्ट बार जब भी मैं अपने मायके जाऊँगी और कन्हैया का ब्लॉग बनाऊँगी, उससे पूछूँगी कि क्या क्या किया था, तो कन्हैया दिखाएगा आप सबको। यूट्यूब में मैं उसके शूट करूँगी कि उसने क्या कैसे 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 किया, क्या कहते हैं उसके पापा ने। और कन्हैया पूरी नकल उतारता है अपने पापा की, क्योंकि जो भी पूजा पाठ जो कर रहे थे मेरे बड़े भाई हैं कन्हैया के पापा जी। तो अभी जानू मनू को चाहिए डिनर, तो हम लोग आ गए थे शाम को घर में। तो अभी सोच रही हूँ कुछ डिनर की तैयारी कर लेती हूँ, और बच्चे बोल रहे हैं कि हमें खाने हैं राइस पुलाव खाने हैं, तो मैंने कहा चलो अभी बना देती हूँ। तब तक के लिए ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।